साक्षी मानकर वचन पत्र धोकर सात फेरे लेकर वधू को घर लाया जाता है। लेकिन ये सात फेरे क्यों लिए जाते हैं, इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते होंगे। इसलिए सबसे पहले विवाह का अर्थ समझना होगा। विवाह को शादी या मैरिज कहना गलत है। विवाह का कोई समानार्थी शब्द नहीं है। विशेष रूप से उत्तरदायित्व का वहन करना, एक जिम्मेदारी को पूर्ण करना। अन्य धर्मों में विवाह पति और पत्नी के बीच एक प्रकार का करार होता है, जिसे विशेष परिस्थितियों में भी तोड़ा जा सकता है। लेकिन हिंदू धर्म में विवाह बहुत ही भली भांति सोच समझकर किए जाने वाला संस्कार है। इस संस्कार में वर और वधू सहित सभी पक्षों की सहमति लिए जाने की प्रथा है। हिंदू विवाह में पति और पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध होता है, इसलिए इस संबंध को अत्यंत पवित्र माना गया है। इसको सात जन्मों का बंधन भी कहा गया है। हमारे शरीर में ऊर्जा के सात केंद्र हैं, जिन्हें चक्र कहा जाता है। ये सात चक्र हैं, सात चक्रों से जुड़े हैं। हमारे सात शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, मानस शरीर, आत्मिक शरीर, दिव्य शरीर और ब्रह्म शरीर। विवाह करने वाले दोनों ही वर और वधू को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से एक दूसरे के प्रति समर्पण और विश्वास का भाव निर्मित किया जाता है। मनोवैज्ञानिक तौर से दोनों को ईश्वर की शपथ के साथ जीवन पर्यंत तक दोनों से साथ निभाने का वचन लिया जाता है। इसलिए विवाह की सप्तपदी में सात वचनों का भी महत्व है। सप्तपदी में पहला पक्ष भोजन व्यवस्था के लिए, दूसरा शक्ति संचय आहार और संयम के लिए, तीसरा धन की प्रबंध व्यवस्था हेतु, चौथा आत्मिक सुख के लिए, पांचवा पशुधन संपदा हेतु, छठा सभी ऋतुओं में उचित रहन सहन के लिए और अंतिम सातवें पग में कन्या अपने पति का अनुगमन करते हुए सदैव साथ चलने का वचन लेती है और सहर्ष जीवन पर्यंत पति के प्रत्येक कार्य में सहयोग देने की प्रतिज्ञा करती है। मैत्री सप्तदिन मुच्यते अर्थात एक साथ सिर्फ सात कदम चलने मात्र से ही दो अनजान व्यक्तियों में भी मैत्री भाव उत्पन्न हो जाता है। जीवन भर का संग निभाने के लिए प्रारंभिक सात पदों की गरिमा और प्रधानता को स्वीकार किया गया है। सातवें पग में वर कन्या से कहता है कि हम दोनों सात पद चलने के बाद परस्पर सखा बन गए हैं। मन, वचन और कर्म के प्रत्येक तल पर पति पत्नी के रूप में हमारा हर कदम एक साथ उठे, इसलिए आज अग्निदेव के समक्ष हम साथ साथ सात कदम रखते हैं। हम अपने गृहस्थ धर्म का जीवन पर्यंत पालन करते हुए एक दूसरे के प्रति सदैव एक निष्ठ रहे और पति पत्नी के रूप में जीवन पर्यंत हमारा यह बंधन अटूट बना रहे और हमारा प्यार सात समुद्रों की तरह विशाल और गहरा रहे।